कुछ टाइम पे जो हायरिंग पैटर्न है वो हल्का सा चेंज होने लगा है। काफ़ी सारे स्टार्टअप्स ने नई चीज़ें अडॉप्ट करनी स्टार्ट कर दी हैं, जो उन्होंने हायरिंग पैटर्न उसमें चेंजेस करें। पहले डीएससी की वेटेज काफ़ी होती थी, अगर 3 राउंड्स हो रहे तो उसमें 2.5 राउंड्स आपके डीएससी के ही होते थे। अब कंपनीज ने थोड़ा चेंज कर दिया है, अपने हायरिंग पैटर्न में चेंज ला के उन्होंने रोल स्पेसिफिक हायरिंग करनी स्टार्ट कर दी है, प्लस 1 या 2 राउंड ही डीएससी के हो रहे होते हैं तीनों में से। एंड दे हैव स्टार्टेड फोकसिंग ऑन एलएलडी एचएलडी एज वेल। आपके अलग अलग तरीके के राउंड्स हो रहे होते हैं, इसमें हाई लेवल डिज़ाइन लो लेवल डिज़ाइन दोनों पे फोकस किया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वी थॉट यार जो हमारी एल्गो प्रेप कम्युनिटी है यूट्यूब पे उसको लॉस ना हो जाए, एंड दे शुड ऑल्सो हैव एक्सेस टू सम फ्री रिसोर्सेज एज वेल एज पेड रिसोर्सेज, जहाँ पे वो जाके ये चीज़ें सीख पाएँ एंड वो समझ पाएँ कि यार अगर मैं कल परसों किसी कंपनी के लिए अप्लाई करूंगा, अगर मैं उनके लिए इंटरव्यूज दे रहा हूँ 1 महीने बाद, सो आई शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड आई शुड बी एबल टू लाइक क्रैक दोज इंटरव्यूज एंड मेरे को पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरे को पढ़नी है एंड कुछ रिसोर्सेज हैं जिनको देख के मैं वो सारी चीज़ें सीख सकता हूँ। सो ऑल्सो इफ यू डोंट नो, हमने अपना DSA वाला जो पूरा कोर्स था फाउंडेशन जावा में, वो हमने YouTube चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। मैंने अराउंड 6 महीने पहले प्रॉमिस किया था कि हम पूरा आपको DSA पढ़ा रहे होंगे, बेसिक्स आपको सिखा रहे होंगे, अगर आपको फाउंडेशन सीखना है उसके बाद खुद प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ साथ हमने डीट कोड के बहुत सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं, सो उनको आप देख सकते हो, उनसे आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट कर सकते हो एंड दीज थिंग्स विल हेल्प यू आउट मोर। इसके साथ साथ इस वाली वीडियो में मैं आपको HLD LLD के बारे में तो बताने ही वाला हूँ, साथ साथ एक और अमेजिंग सरप्राइज है आपके लिए। वी आर लॉन्चिंग फ्री LLD एंड HLD बूट कैंप्स ऑन आर AlgoPrep YouTube चैनल। जो ये पढ़ा रहे होंगे इनकी जो डिटेल्स हैं वो सारी मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। सो बिना किसी देरी के पर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं एंड आई विल टेल यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज कोर्सेज। तो पहले हम बात कर लेते हैं LLD की, बिकॉज इफ़ यू आर समवन हु इज इन फोर्थ ईयर, इफ़ यू आर समवन हु हैज जस्ट ग्रेजुएटेड एंड आप जॉब ढूंढ रहे हो, तो आपको LLD की ज़रूरत पड़ रही होगी। HLD की ज़रूरत शायद इतनी ज़्यादा ना पड़े, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो। जनरली कंपनीज SD1 से HLD नहीं पूछ रही होती हैं, वो जनरली LLD ही पूछ रही होती हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये ऐसे डिवाइड किया है कि आपके LLD HLD दोनों साथ हो रहे होंगे। विच एवर रोल यू आर टारगेटिंग यू कैन डिसाइड और लर्न बोथ एट द सेम टाइम। आपकी फ्रीक्वेंटली वीडियोज आ रही होंगी एंड एज यू नो जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, सो अभिषेक इज एन इंजीनियरिंग मैनेजर एट गूगल, ऑल्सो ही इज डूइंग द सेकंड कोहॉर्ट एट AlgoPrep जहाँ पे हम लाइव ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा रहे होंगे। उसके साथ साथ दिस इज द थर्ड कमिटमेंट इन द लिस्ट, सो वो आपके लिए बहुत टाइम निकाल के इन चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करके मस्त वीडियोज़ ला रहे होंगे। सो जो कॉन्टेंट क्वालिटी है वो अच्छी होने वाली है, बिकॉज ही हैज़ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग एंड 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन टेक। तो HLD वाला पार्ट तो बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है, ये तो हमें समझ आ गया। LLD वाला पार्ट विल बी टॉट बाय सुभेश हु हैज टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 5 years। वो जब कॉलेज में सेकेंड ईयर में था वो जब से पढ़ा रहा है एंड ही हैज ऑल्सो टॉट इन स्केलर फॉर एन ईयर, वहाँ पे उन्होंने पूरी DSA के साथ साथ LLD वगैरह भी पढ़ाया हुआ है। ही हैज़ फुल लाइक एक्सपीरियंस ऑफ हाउ थिंग्स वर्क, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, बहुत सारे डाउट्स पता हैं कैसे आते हैं, कैसे उन डाउट्स को सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें पता है। सो दोनों जो आपके इंस्ट्रक्टर्स होने वाले हैं LLD एंड HLD के, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिलने वाली है, ये तो हमें समझ आ गया। इसके साथ साथ कोहॉर्ट 2 ऑफ सिस्टम डिज़ाइन प्रेप एट AlgoPrep इज लाइव। देर इज अ लॉन्च वीडियो जो आप चेकआउट कर सकते हो AlgoPrep पे, वहाँ पे आप उस कोर्स के बारे में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। बाकी इसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ डिटेल में, अभी पहले बात कर लेते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें LLD में पढ़ने वाले होंगे एंड कैसे वो स्ट्रक्चर हो रही होंगी। सो जो हमारा LLD वाला पूरा स्टार्ट होने वाला है, स्टार्टिंग में वहाँ पे आपको ऊप समझाया जाएगा, ऊप सिखाया जाएगा। सो यहाँ पे एक बेसिक प्रीरिक्विजिट है, आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए, बिकॉज अगर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है तो आप LLD नहीं कर पाओगे। सिमिलरली आपके जो HLD है वहाँ पे भी आज सच कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है, बट आपने प्रोग्रामिंग करी होनी चाहिए, आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, नहीं तो वो समझ नहीं आएगा, बिकॉज HLD LLD थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ आता है। अगर आप कोड कर रहे हो काफ़ी टाइम से, अगर आपको एक लैंग्वेज आती है, देन दीज आर गुड थिंग्स फॉर यू। बट इफ़ यू आर समवन हु इज करेंटली इन देयर फर्स्ट ईयर, इफ यू आर समवन हु जस्ट पास्ड आउट फ्रॉम 12th, देन आपको शायद ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ ना आ रही हो। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे होंगे ऊप्स, उसके बाद हम पढ़ रहे होंगे सॉलिड प्रिंसिपल्स। सॉलिड प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं, जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा यूज़ भी हो रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ होने वाली है, यहाँ पे आपको 6 डिज़ाइन पैटर्न्स पढ़ाए जाएंगे जो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, ताकि जब आप कंपनी ज्वाइन कर लो उसके बाद आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो टू लाइक अंडरस्टैंड द कोड और टू एक्चुअली इंप्लीमेंट द थिंग्स।
तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप इंटरव्यूज भी दे रहे होगे, अगर आपको कोई एक LLD का प्रॉब्लम दिया जाता है, फॉर एग्जांपल पार्किंग लॉट, तो आपको पता होगा कैसे वो सॉल्व होना है, कौन से डिज़ाइन पैटर्न्स यूज होने हैं, एंड 6 के बाद ऑन टॉप ऑफ इट आप और भी ज़्यादा कर सकते हैं, बट दीज 6 आर वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको करने ही करने होंगे। इसके बाद हम कर रहे होंगे UML डायग्राम्स, क्योंकि UML डायग्राम्स आपको बनाने के लिए दिए जाते हैं। जब भी आप कोई नई प्रॉब्लम पे काम कर रहे होते हैं कंपनीज में, तो आपको एक डिज़ाइन डॉक बनाना पड़ता है, तो वहाँ पे UML डायग्राम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आप लोगों के लिए व्हेन यू आर लाइक एक्चुअली प्रेजेंटिंग योर डॉक इन द कंपनी, एज वेल एज जब आपके इंटरव्यूज हो रहे होंगे तो भी आपको UML डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा, एंड आपको उसके बाद ही कोड करने की परमिशन दी जाएगी बेसिकली। सो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड फाइनली वी विल बी सॉल्विंग 2 प्रॉब्लम्स, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इन डिज़ाइन पैटर्न्स को कैसे यूज़ करना है, सॉलिड प्रिंसिपल्स को कैसे यूज़ करना है, ऊप्स को कैसे यूज़ करना है, एंड UML डायग्राम्स कैसे बनाने हैं। तो एंड टू एंड आपको बेसिक से लेके प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्विंग तक सारी चीज़ें करा दी जाएंगी, एंड ये जो आपकी पूरी सीरीज होने वाली है 10 टू 15 लेक्चर्स की होने वाली है, एंड एवरीथिंग विल बी एब्सोल्युटली फ्री, एंड दिस विल स्टार्ट विद द वीडियो इटसेल्फ। जब ये वीडियो खत्म हो जाए आपको वाले यूट्यूब चैनल पर जाना एंड उस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ कि यार यहाँ से पढ़ लो, मज़ा आने वाला है। ऑल्सो इफ यू डोंट नो येट, हमारा कोहोर्ट 2 फॉर सिस्टम डिज़ाइन प्रेप इज़ ऑलरेडी लाइव ऑन एल्गो प्रेप। इसका अर्ली बर्ड ऑफर तो खत्म हो चुका था, बट मैंने अभिषेक और सुभेश से बात करी, मैंने कहा यार इसका अर्ली बर्ड ऑफर फिर से स्टार्ट करते हैं फॉर स्टूडेंट्स जो इस वाली वीडियो को देखने आएंगे, जो एक्चुअली HLD LLD में इंटरेस्टेड है एंड हु वॉन्ट टू स्टडी लाइव, राइट। ये सब तो आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे, इससे आपको एक स्ट्रक्चर्ड पाथ भी मिल जाएगा, बट एक्चुअली जब आपको डाउट्स आ रहे होते हैं, क्योंकि HLD LLD इज मोर अबाउट डिस्कशन, जब तक आप डिस्कस नहीं कर रहे होगे ना अपने मेंटर के साथ, अपने टीचर के साथ ना, तो इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन ज्वाइन, इट्स नो वन इज फोर्सिंग यू, बट इट विल डेफिनेटली हेल्प इफ यू वॉन्ट टू स्विच, एंड इट वुड बी अ फ्रैक्शन ऑफ योर ज्वाइनिंग बोनस अगर आप कोर्स फीस की टेंशन ले रहे हो तो। मतलब कंपनीज आउट देयर आर चार्जिंग 3 लाख 4 लाख रुपीज़, कंपनीज आउट देयर विल बी चार्जिंग मोर देन दिस, एंड यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल रही होंगी। बाकी डिटेल्स अगर आपको जाननी है क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे होंगे, क्या क्या चीज़ें हम कर रहे होंगे, तो इसकी लॉन्च वीडियो में आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे भी जो कोर्स होने वाला है वो अभिषेक एंड सुभेश पढ़ाने वाले हैं। HLD वाला पार्ट अभिषेक विल बी टीचिंग एंड LLD वाला पार्ट सुभेश विल बी टीचिंग। इसके साथ लास्ट वाले कोहोर्ट के बाद हमने काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट्स करी हैं, काफ़ी सारे लोगों की प्लेसमेंट्स भी होनी स्टार्ट हो गई हैं, काफ़ी सारे लोगों को 100% 150% हाइक मिलने लग गया है, एंड इनकी स्टोरीज भी जल्दी हम लेके आने वाले हैं एल्गो प्रेप वाले यूट्यूब चैनल पे। अब नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं, सेकंड जो अनाउंसमेंट है हमारी, दैट इज अबाउट HLD। अब HLD की प्लेलिस्ट भी हमारी 10 टू 15 लेक्चर्स की होने वाली है। हम स्टार्टिंग में समझ रहे होंगे कि यार एक्चुअली सिस्टम डिज़ाइन होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन देख रहे होंगे, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं उनके बारे में बेसिक समझ रहे होंगे, यार ये सारे कंपोनेंट्स हैं, ये सारे हम आगे वाले वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ रहे होंगे डेटाबेसेस। डेटाबेसेस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका सिस्टम डिज़ाइन का, बिकॉज यहाँ पे आप एक्चुअली समझ रहे होते हैं कि जो यूज़र का डेटा है, जो आपका डेटा है वो कहाँ पे स्टोर हो रहा होगा, कब आपको SQL डेटाबेस यूज़ करना है, कब आपको NoSQL डेटाबेस यूज़ करना है, आपको पार्टीशनिंग कैसे करनी है, शार्डिंग कैसे करनी है, रेप्लिकेशन क्या होता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत 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 सारे, एंड लोग यहीं पे फंसते हैं, तो उसके बाद हम ये कर रहे होंगे। नेक्स्ट हम समझ रहे होंगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम समझ रहे होंगे माइक्रो सर्विस और मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के बारे में, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कब कौन सा यूज़ करना चाहिए, वो सब समझ रहे होंगे। नेक्स्ट हम समझ रहे होंगे APIs कैसे होते हैं, कैसे APIs डिज़ाइन की जाती हैं, उसके बाद हम समझ रहे होंगे कैशिंग के बारे में। देन हम समझ रहे होंगे REST क्या होता है, REST APIs बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बहुत सारी कंपनीज यूज़ कर रही होती हैं, तो वो समझ रहे होंगे क्या होती हैं, उनका क्या मतलब होता है, कैसे यूज़ करना होता है। इसके बाद हम समझ रहे होंगे मैसेजिंग क्यूज़ क्या होता है, पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल क्या होता है, फिर हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल स्केलिंग में डिफरेंस कब कौन सी यूज़ करनी चाहिए, फिर हम कैप थ्योरम पढ़ रहे होंगे, देन शार्डिंग एंड फाइनली कंसिस्टेंट हैशिंग के बारे में हम पढ़ रहे होंगे, एंड उसके बाद हम 2 सिस्टम डिज़ाइंस भी कर रहे होंगे इस वाली सीरीज़ में। ऑलरेडी 2 हम यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं, एक आपका इंस्टाग्राम का, दूसरा बंबल का, और भी आते रहेंगे, बट जो इस वाली सीरीज़ में स्पेसिफिकली हम 2 और कर रहे होंगे, तो टोटल 4 आपको डिज़ाइन के आइडियाज़ लग जाएंगे कि कैसे अगर आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है तो उसको अप्रोच कैसे करना होता है इन एन इंटरव्यू। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस सीरीज़, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है फॉर पीपल, एंड यू आर गोना लव इट फॉर श्योर। प्लस जो हमारा फीडबैक था लास्ट वाले बैच का, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया था, एंड आई एम होपिंग कोहोर्ट 2 इज़ गोना बी बेटर देन दैट, बिकॉज हमने इस बारी और चीज़ें इम्प्रूव करी है, हमें समझ आई कहाँ कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, हमने बहुत सारा फीडबैक लिया है, लोगों से बात करी है, एंड अपने जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इसको और बेटर बना दिया है। सो इट्स गोना बी रियली 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 इंटरेस्टिंग,
एंड यू शुड डेफिनेटली चेकआउट algoprep.in, वहाँ पे सिस्टम डिज़ाइन प्रेप में आप एनरोल कर सकते हैं। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है डी एस ए से रिलेटेड, ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में नहीं बताया था, बट हम बूट कैम्प स्टार्ट कर रहे हैं डी एस ए के। सबसे पहले हम रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग का बूट कैम्प कर रहे होंगे, इट विल बी टोटली फ्री, इट विल बी ऑन यूट्यूब। यहाँ पे हम सीख रहे होंगे रिकर्जन क्या होता है, बैक ट्रैकिंग क्या होता है, हम रिकर्जन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे, हम बैक ट्रैकिंग की बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे, ऑल दैट फॉर टोटली फ्री। यहाँ पे 13 से 15 आपकी वीडियोस आने वाली हैं, सारी बहुत टॉप नॉच हाई क्वालिटी। अगर आपको नहीं पता है तो हमने ऑलरेडी डीएसए वाला फाउंडेशन वाला कोर्स यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट कर दिया है, सो हम जो चीज़ें प्रॉमिस करते हैं वो ज़रूर कंप्लीट करते हैं। एंड इन तीनों सीरीज़ को भी कंप्लीट करने वाले हैं, इसके साथ और भी बहुत सारी फ्री सीरीज़ आने वाली हैं, उनकी धीरे धीरे हम अनाउंसमेंट करते रहेंगे। सो यही थी यार हमारी अनाउंसमेंट्स, हमने तीनों चीज़ों के बारे में आपको बता दिया है। ऑल्सो फिर से मैं बता रहा हूँ, अर्ली बर्ड ऑफर विल ओनली बी फॉर नेक्स्ट 3 days, सो आप जल्दी से जाके एनरोल कर सकते हैं सिस्टम डिज़ाइन प्रेप में। क्लासेज आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 6th of March, 4th of March को हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है, सो देर इज स्टिल टाइम। इसके साथ साथ आपको वहाँ पर रिकॉर्डिंग्स मिल रही हैं, अभी करेंटली जो पिछले वाला बैच था उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, सो इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी, इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट स्टडिंग अभी, सो यू कैन ऑल्सो डू दैट। एंड साथ साथ जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी और कॉन्टेंट आपको मिलता रहेगा। एंड एक बंडल ऑफर भी है, इफ़ यू वॉन्ट टू गेट डी एस ए प्रेप लाइट, सो आप ओनली 899 rupees में ले सकते हो। एंड इसके साथ साथ आपकी जो टोटल प्रिपरेशन है वो हो जाएगी। डी एस ए प्रेप लाइट नहीं पता है क्या है, तो वहाँ पर आपको पूरा डी एस ए मिल जाता है, फाउंडेशन प्लस लेवल अप, एंड ये आपका पूरा इंग्लिश में होने वाला है, इंग्लिश हिंदी दोनों का ऑप्शन होता है। लेवल अप इज़ फुल इंग्लिश एंड फाउंडेशन में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाते हैं, प्लस इसके साथ साथ आपको ऊप्स भी मिल जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो बिल्कुल मस्त है, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सो ग्रैब करो एंड गेट रेडी टू गेट प्लेस्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।